एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केटी व्लॉग्स। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे, लेकिन थोड़ा सा समय मेरे ब्लॉग को देखने के लिए ज़रूर निकालिएगा। मैं हूँ खुशबू तोपाल और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं दिन के 12:30 बजे से कर रही हूँ। आज है 19 अगस्त 2024 और आज है रक्षाबंधन का त्यौहार, तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएँ एवं बधाई। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं लेट से कर रही हूँ क्योंकि आज जो रक्षाबंधन का मुहूर्त है वो 1 बजे बाद से शुरू है, इसीलिए मैंने सोचा बाद में ही बनाती हूँ ब्लॉग, क्योंकि सुबह से हमने घर के काम किए, मम्मी पापा ने नाश्ता किया, मेरा और भैया का फास्ट है, हम जब रक्षाबंधन मना लेंगे उसके बाद ही कुछ खाएँगे। तो अभी मैं तैयार हो रही जा रही थी तो मैंने सोचा पहले एक बार इस ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देते हैं। और आज का मौसम थोड़ा ह्यूमिडिटी वाला है इसीलिए मुझे पसीने भी आ रहे हैं, तो अभी मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में तैयार होने के बाद। और आज आप सभी के साथ मैं अपना पूरा दिन शेयर करूँगी इस व्लॉग के द्वारा, बने रहिए मेरे इस व्लॉग में, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और अभी 1:15 हो रहा है और अभी राखी बांधने में टाइम है, तो तब तक मैं आपको दिखाती हूँ घर पर क्या क्या हो रहा है। और आज मेरी दीदियाँ भी आएंगी, मेरे मामा की बेटियाँ, तो मैं आपको उनसे भी मिलवाऊँगी, आपने शायद उन्हें पहले भी मेरे व्लॉग्स में देखा होगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ घर पर क्या क्या हो रहा है। तो किचन में मम्मी ने रखा है दाल चावल, तो ऑलमोस्ट बन ही गया है सबके लिए, ये हम राखी पहनाने के बाद करेंगे लंच। तो यहाँ पर मैंने प्रिपरेशन कर दी है रक्षाबंधन के लिए, ये देखो यहाँ पे ये सारी राखियाँ रखी हैं और ये पूजा के लिए थाल मैंने सजा दी है। तो अभी 1:40 हो चुका है और मुहूर्त शुरू हो गया है राखी बांधने का। तो अभी मैं सबसे पहले अपने भैया को राखी बांधती हूँ, भैया अभी अपना कुर्ता पहन रहा है जो हम उसके लिए परसों ही लेके आए हैं, तो जैसे ही वो आता है मैं उस पर राखी बांधती हूँ और रक्षाबंधन का कार्यक्रम शुरू करते हैं। राखी बांध दी है भैया पे और मुझे गिफ्ट भी मिल चुका है, इसे ओपन करके मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी हम थोड़ा सा सुबह की बनी हुई पूरी पकौड़ियाँ खा लेते हैं। तो ये है पूरी पकौड़ी सुबह की बनी हुई, तो खाइए भैया, फ़ोन पे बाद में लगिए। तो अभी भैया गया है सुची दीदी को लेने के लिए, तो अभी वो थोड़ी देर में आ जाएगी तो मैं आपको उससे मिलवाती हूँ। तो ये आ गए हैं दीदी और सीधे घर के अंदर ही। ये क्या हो गया मेरी टुकड़ी को, ये कहाँ लगा के आई? भैया नहीं आ रहा था। क्यों? वो कह रहा मैं नहीं आ रहा। ये क्या है, ये कौन सी राखी है बताओ, लाइट कहाँ पे जलती है इसमें? ओ वाओ, ये लाइट वाली राखी है मेरी टुकड़ी की। और ये है मेरी मोटी दीदी। क्या यार दीदी, दिन दिन में शुरू कर रही तू भी।
रात तक का इंतजार करना चाहिए। आज पार्ट दिया भाई, आज बहनों का दिन है भाई। तो देखो ये दिन दिन में शुरू कर रही है पार्टी। ये थुपड़ी, तू यहाँ अकेले क्यों बैठी है? ये थुपड़ी यहाँ अकेले बैठी है और बाकी सब यहाँ बैठे हैं। कल्पना दीदी भी आ गई। तो ये हमारी कल्पना दीदी, डॉक्टर कल्पना रावत, और ये हमारी मीशू, ये भी एक ब्लॉगर, और जीजा जी वहाँ बैठे हुए हैं। बाय दीदी, बाय जीजा जी। तो ये है सुची दीदी, ये है करु दीदी, और ये है आशु दीदी। ये लाइन से बताया मैंने आपको, ये बड़ी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी। यार जरा ऐसे वो दो, मैं इसकी बड़ी दीदी हूँ, ये इसकी दूसरे नंबर वाली है। और एक और, मैंने ना जब ये छोटी थी ना तो मैंने इसकी लैटिन भी साथ। ऐसा मत बोलो, अब मैं डालूंगी देखना। तो क्या हुआ, बहन है ना, छोटी बहन थी ना, यही थी मेरी टेक केयर। इसकी, इसका, इसका और एक सोनू, हम तीनों संतरा पकड़ गई। तो ये तीनों बहनें, एक और है वो है गौचर में, सोनम। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। यार मैं वो बनती हूँ तुम्हारी। भैया मेरे, नहीं छोटा बुल्ला है, नहीं बुल्ला मेरे राखी के बंधन को। खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो, और हमेशा ये पल हमेशा उन्नति करे। बहन छोट बड़ी दीदी ऐसी बहनों का क्या है, यही है वही तो। तू भी खो दी, खींच रही हूँ। वो भी तेरी पकड़ पकड़ बढ़ रही है। हां मैं सारा राग बढ़े रे मैं। हां आप तो करो, ये होना है। हां ये बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारे लिए। अभी सब उन्होंने थोड़ा सा देखना तो देख, वहां पिछली बार मैं छोटी रखी बना। तो हम सब बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। ये दीदी नहीं खा रही है, और अभी टाइम देखो आप, 4 बजने वाला है। 4 बजने वाला क्या, 4 बज गए। खाने में है राजमा चावल,
पकौड़ी, भिंडी की सब्जी, अचार, सैलेड, रायता। अभी मेरे पास नहीं आया है। तो अभी ये देख रहे हैं मेरी सगाई की वीडियो। किसकी तरह लगते हैं? अबराज खान। अब दीदी बताएगी सही। अबराज नहीं है, अरबाज। अरबाज, अबराज। नहीं दीदी, अभी तक इससे पहले कुछ और बोलती थी। ये मैं की तरह लगते हैं सेम। हाँ अरबाज अबराज सब निकाल दो तुम। तो ये देखो सुची दीदी कहाँ जा रखी है, खेत के बीच में, और यहाँ से इसने अमरूद फेंके हैं। ले यार तुम ही खाओ। ए बांदर, ए बांदर। अब गई तो इसने सारा खेत उजाड़ पुजाड़ कर दिया। पहले तो जा नहीं देती है। टी टाइम। ये देखो ये नीता जी आ गए हैं। ना मैं तो ऐसे ही डालूंगी। इतने क्यूट लग रहे हो आप। दीदी और जा रहे हैं अभी। बाय। ओके हेलो गाइस, ये मेरे हिमांशु भैया। वी आर बैक। बस कर ही रहे हैं, फटाफट हो जाए सब। हेलो रे, कितना कष्ट कर रहा था। सुबह से ही कर रहा यार भाई। मैं तो भी खाना फुल मोटी हो गई। हो गई, हो गई। एक फोटो खींच दो भैया। बाय बाय। बाय बाय। ए बाय। बाय गाइस। बाय। चलो जा रहे हैं। बाय बाय।
अभी 8:30 हो रहे हैं, हिमांशु भैया अभी गए तो अभी हम जा रहे हैं बड़ी मम्मी के घर। वहाँ पे भैया तो अभी आए नहीं है, काम से कहीं गए हुए थे, बट हम चले जाते हैं एक बारी। तो देखते हैं, अगर इस टाइम पे भैया आ जाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम वहाँ पर राखी देख के आ जाएंगे। अभी 9 बज रहे हैं और हम घर पर हैं। अभी मैं इसको चेंज करती हूँ, इस सूट को सुबह से पहनी हुई है मैंने, और फिर डिनर वगैरह करते हैं जो कि दिन का ही बचा हुआ है। मम्मी थोड़ा फ्राई वगैरह कर रही है चावल, तो अभी चेंज करके मिलते हैं। तो ये है मेरे रक्षाबंधन के गिफ्ट्स, तो अभी भैया वाला गिफ्ट मैं आपको खोल के बताऊँगी। तो भैया ने दिए हैं मुझे ये शूज़, और मुझे वाइट शूज़ ही चाहिए थे, तो आई एम वेरी हैप्पी, और ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो अभी हो चुका है सब कुछ डन, और अब हम करते हैं आराम, बहुत थक गए हैं। मिलते हैं आपको किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन बाय।